तो आगे कंटिन्यू करते हैं पेजिनेशन पे। यहाँ पे प्रीवियस और नेक्स्ट जो होते हैं, जैसे कि अगर आपको प्रीवियस पेज पे जाना है या नेक्स्ट पेज पे जाना है, तो इस तरह से आ सकते हैं। कोई भी हम अगर हम लिंक को कर देंगे तो यहाँ से आसानी से पेजिनेशन हो जाता है। डोमेन्स की बात करें तो डॉट कॉम आपको पता ही है ना। तो जब भी हम सर्च करते हैं या रजिस्टर करते हैं, गुड डोमेन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो डॉट कॉम डोमेन या फिर कीवर्ड होना चाहिए, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्रीमियम डोमेन ही बाय करें, कोई फ्री व्री के चक्कर में ना रहें, वरना लोग डॉट एक्स वाई जेड या फिर क्या क्या चले जाते हैं, ठीक है। और यूज़फुल लिंक ये देखो, एक्सपायर डोमेन्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसे। और भी है डोमेन वैल्यू और गो डैडी, एस्क्रो, सेव डोमेन ट्रांसफ़र, ठीक है। तो ये देखो एक्सपायर डोमेन डॉट नेट, ये है अभी खुलने। अच्छा, मेरा नेट नहीं चला है, नेट चला देता हूँ फटाफट से यार। तो ये देखो, यहाँ पे आपको सारे यूज़फुल लिंक मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो सारे लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगेन जाता हूँ इस पे, तो देखो इस तरह से एक्सपायर डोमेन दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सारे एक्सपायर डोमेन दिखेंगे, यानी जो होने वाले होंगे। और भी हैं कि जैसे डॉट कॉम होता है तो डॉट और क्या हो सकते हैं, इंडिया के लिए डॉट आई एन होता है इन, और ऑर्गेनाइजेशन डॉट ऑर्ग होता है। तो ये एक्सपायर डोमेन्स हैं, ये देखिए। तो ये सारे डोमेन जो हैं ये हाल ही में एक्सपायर हुए हैं, ठीक है, इनकी डेट दे रखी है, तो इस टाइम पे ये एक्सपायर हो गए हैं। लोग रिन्यू करवा देते हैं, है ना, तो रिन्यू करवाते रहना पड़ता है, जिससे कि हमारी साइट चलती रहे, डोमेन नेम बना रहे, ठीक है। तो वही है, ईयरली या मंथली पेमेंट करनी पड़ती है एक डोमेन को लेने के लिए। तो ये सारे डोमेन्स हैं और ये एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। किस समय हुए थे सब लिखा है, एंड डेट कब कब है या फिर कब होने वाले हैं। तो देखो एक बार खोल के देखता हूँ मैं इसको, ये देखो कैश एड पे चला गया, ठीक है। तो ये बैक ऑर्डर डोमेन लिखा हुआ आ रहा है कि दोबारा से ऑर्डर करें इस डोमेन को। तो अगर आप किसी और का डोमेन लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, उससे पहले पेमेंट करके, है ना। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये देखो है ना। तो फाइबर डॉट नेट चल नहीं रहा है, अच्छा अच्छा डोमेन था, है ना, क्या करें। देखो वर्डप्रेस की बात करते हैं, पहले एक मिनट रुकना, ये देखो एक बार इसको भी देख लेते हैं यार। ये जो मेरे को कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, नए लिंक्स दिख रहे हैं, इनको भी देख लेते हैं। escrow.com है ना, नेवर बाय और सेल, हाँ। तो अगर आपको अपना डोमेन बेचना हो तो देखो आजकल डोमेन बिकते भी हैं। मान लो तुमने सस्ता डोमेन ख़रीदा और बेचा महंगे में, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और नेमचीप भी है, यहाँ पे भी आपका ऑक्शन चलता है। देखो webly.com कितने डॉलर का बिक रहा है, बहुत ही ज़्यादा। तो बिडिंग करते हैं लोग, ऑक्शन करते हैं, और एक अच्छे डोमेन को ख़रीदने के लिए लोग लाइन लगा के रखते हैं। तो बहुत से लोग डोमेन का सेलिंग का काम भी करते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा चलता है, ठीक है। उसका भी एक अलग ही कॉन्सेप्ट है यार। तो यहाँ देखो रीलॉन्च चेकलिस्ट है यहाँ पे, तो यहाँ लिखा है कि अपग्रेड मूविंग अ न्यू डोमेन टू रीलॉन्च वेबसाइट, है ना। तो इंटरनल लिंकिंग या XML साइट मैप को अपडेट कर देना, ब्रोकन लिंक को स्कैन करना या रिमूव करना, नो इंडेक्स को, है ना, ये सारी बातें तुम्हें पता होंगी। 301 भी रिडायरेक्ट होता है, और आप लॉन्च चेकलिस्ट पे भी जा सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। अभी जब भी मैंने वो सेक्शन को हटा दिया है, आगे बढ़ते हैं। देखो SEO प्लगइन की बात करें तो यूज्ड SEO इज़ द बेस्ट, ठीक है। मैंने काफ़ी बार यूज़ करा है इसको पर्सनली भी, हमारे आर्टिकल को बढ़िया बनाने में, SEO फ्रेंडली बनाने के लिए सबसे बढ़िया मेरे को लगता है ये प्लगइन, ठीक है। ये आपके आर्टिकल को एकदम ऐसा बना देगा कि रैंक करने के लिए एकदम तैयार, ठीक है। तो ये और भी हैं, XML साइट मैप्स, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे मैं खोल के देख रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं आप डिटेल में, और बाकी सारी चीज़ें भी। होस्टिंग की बात करें तो देखो HTTPS होना चाहिए, CDN होना चाहिए, कैशिंग होना चाहिए यार, फायरवॉल और सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें हैं। क्लाउडफेयर जो है वो भी एक एग्ज़ाम्पल है, और भी हैं, मगर यहाँ पे क्लाउडफेयर दे रखा है तो फिर वही देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे जाके आप अपनी होस्टिंग परचेज कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वेबसाइट जो जिस सर्वर पे रन कर रही हो वो सर्वर अपनी तरफ से कोई ख़राबी ना लाए, ठीक है। ये बेसिक है, इसको साइड नहीं कर सकते क्या? अच्छा, इसी साइड चलेगा, इसी साइड रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यार, मैं ऐसे ही बता बोल देता हूँ। लेट मी ट्राई, ठीक है। ये ऐसा का ऐसा ही है, मैं सोचा था सेंटर में ले आते इसको, ठीक है। दोबारा देखते हैं, नहीं नहीं हो रहा है,
ये तो देख लेते हैं यार। ये देखो मेटा टैग्स हैं, है ना, जैसे SEO चीट शीट है, तो उसमें मेटा टैग्स में डिस्क्रिप्शन होता है, कीवर्ड होता है, कैनोनिकल फॉर्म होती है ना। तो इस तरह से हम लिखते हैं मेटा टैग्स को। इमेजेस भी ऐसे डालते हैं और नो फॉलो लिंक होते हैं, गूगल वेब मास्टर गाइडलाइन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दी थी, है ना। और मेक श्योर कि आपका कंटेंट यूनिक शेयरेबल हो, तो पूरी वीडियो देख लेना, है ना। तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बताई थी, जिसमें मैंने 40 मिनट तक की बनाई थी, है ना। तो उसमें भी बता रखा है मैंने आपको, ये सेकंड पार्ट इसलिए बनाना पड़ा क्वालिटी से, क्वालिटी ख़राब ना हो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट को मेजर कर देता, मिला देता आपस में, तो 1 घंटे की वीडियो बनती, मगर फिर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है ना। तो ये देखो ये भी था, तो यही सारी चीज़ें हैं यार। सब्सक्राइब कर देना, लास्ट बोलूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब, टेक इट, और अब तुम्हारा सपोर्ट है बस। कुछ भी सवाल हो और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, और आप जा सकते हैं यार, ये अच्छी वेबसाइट है और अच्छी चेकलिस्ट है, इसमें बहुत सारे लिंक जो हैं वो बहुत काम के हैं, खासकर जो गूगल के लिंक थे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताए थे, पार्ट 1 में, है ना। ये तो पार्ट 2 है फिलहाल, तो ये देखो ऐसे करके आप HTML और भी हैं, मतलब एक बार आप इस वेबसाइट में घुस गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। एक लिंक से दूसरे लिंक, ये देखो सारे टैग्स को, जितने भी टैग्स होते हैं उनको अल्फ़ाबेटिकल लगा रखा है। देखो चीट शीट पे जाते हैं या कैरेक्टर पे जाते हैं, तो किसी पे भी जा सकते हैं, चीज़ें खुलती रहेंगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे चला गया, तो ये देखो ये सारी इमोजीज आ गए, है ना। मैं सर्च करूँगा तो अकॉर्डिंगली इमोजी आ जाएगा, जैसे अगर मैं सर्च करता हूँ रेयर, ठीक है, मैं ऐसे ही सर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि किस तरह से चलता है। ये कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं आप कहीं भी, और ये देखो HTML कोड जनरेटर, अगर मान लो आपकी इमेज है ना, डिव है, टेबल है, ये सब कैसे बनेगा, यहाँ से डायरेक्ट भी बन सकता है, आजकल तो ऑटोमेटिक भी चल रहा है, ठीक है। इवन हम पेज डिज़ाइन कर सकते हैं और उस पेज के हिसाब से HTML कोड भी लिखा जा सकता है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी भी आ रखी है। और भी चीज़ें यार बहुत कुछ हैं, अगर आप खोलते जाओगे तो लिंक्स दिखते जाएंगे, मैंने तो काफ़ी लिंक खोल दिए। ब्लॉग देख लेते हैं एक बार इनका, या फिर लिंक्स देखें, ठीक है, एक बार लिंक्स देखते हैं क्या 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 लिंक है, तो यूज़फुल HTML लिंक। हाँ ये देखो ये तुम्हारे काम की एकदम बढ़िया चीज़ है ना, कि वेब क्लीनर, कैन आई यूज़ ऑनलाइन HTML एडिटर, है ना, ये सारी देखो कैन आई यूज़ में लिखा है कि हम ये ब्राउज़र सपोर्ट को प्रोवाइड करता है ना, तो ब्राउज़र सपोर्ट मिल जाएगा आपको। बस फिर जैसे कि पूछते हैं कि अच्छा कुछ चीज़ें ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है, कुछ वर्ड्स या फिर कोड जो होते हैं UTF-16 के कोड, है ना, जो वो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है, तो उस चीज़ का है पूछने का, ठीक है। स्क्रिप्ट तो मैंने ऐसे ही लिख दिया है, मगर कोई ऐसा सिंबल हो जो इंडेक्सिंग में दिक्कत आ रहा हो, तो उन सब चीज़ों पे भी ध्यान रखा जा सकता है कि कैन आई यूज़ में पूछ के, स्टैक ओवरफ्लो, W3, स्कूल्स, है ना, ये सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ से आप और पढ़ सकते हैं HTML CSS से रिलेटेड चीज़ों को, ठीक है। और क्या देखें, तो यार हाँ यही है, यहाँ पे स्टाइलिंग वगैरह दे रखी है। अब HTML चीट शीट .com पे आ जाते हैं, जो हमारी असली वेबसाइट है, यहाँ पे AMP HTML चीट शीट भी है और SEO भी है। SEO तो खैर हमने डिस्कस कर लिया है सारी चीज़ों को, ये देखो ये थे हमारे ऑनलाइन टूल्स, है ना, तो इन ये ज़्यादा मेन है, बस बाकी सब भी हो ही चुका है लगभग। इनके एड्स भी आ रहे हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ पे एंटर करते हैं। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।